हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल लीगल न्यूज़ ऑफिशियल में। दोस्तों, एक शादीशुदा औरत को 8 कानून का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। शादी एक गहरी नींव है जो समाज में लोगों और परिवार को आपस में बांध कर रखती है। बहुत से लोग शादीशुदा ज़िंदगी को सफल तरीके से जीने में कामयाब हो जाते हैं, वहीं बहुत से लोगों के लिए एक खौफनाक और कठिन परिस्थिति बन जाती है। ऐसे कई मामले सामने आते हैं जिनमें महिलाएँ सालों तक अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को सहती रहती है, क्योंकि उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती। इस कड़ी में हम आपको इंडियन लीगल राइट्स या उन अधिकारों के बारे में बताएंगे जो महिलाओं को हित को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं और जिनके बारे में हम सभी को पता होना बहुत ज़रूरी है। मैट्रिमोनियल होम्योपैथी के घर में रहने का अधिकार। एक पत्नी को मैट्रिमोनियल होम या अपने ससुराल में रहने का पूरा अधिकार है, चाहे परिस्थिति किसी भी तरह की हो। चाहे उनके पति की मृत्यु ही क्यों ना हो गई हो, फिर भी एक पत्नी अपने ससुराल में रह सकती है। अगर बात तलाक तक आ चुकी है तब भी एक पत्नी अपने पति के घर में तब तक रह सकती है जब तक कि उसे रहने के लिए दूसरी उचित जगह नहीं मिल जाती। अगर महिला उसी घर में रहना चाहे तो भी उसे लीगल हक है। तीसरा है दोस्तों, तलाक का अधिकार। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13/1965 के अंतर्गत एक महिला अपने पति की सहमति के बिना भी उस स्थिति में तलाक लेने का अधिकार रखती है जब उसके साथ पति ने बेवफाई की हो या उस महिला के साथ निर्दयता या शारीरिक मानसिक अत्याचार आदि किया हो। इसके साथ ही महिला अपने पति से मेंटर चार्ज की मांग कर सकती है। इंडियन पेनल कोड सेक्शन 125 के तहत एक पत्नी अपने और अपने बच्चे के लिए अपने पति से फाइनेंशियल मेंटेनेंस की मांग कर सकती है, खासतौर से जब उसका पति ज़्यादा कमाता हो। तीसरा है दोस्तों, स्त्री धन का अधिकार। दोस्तों, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में सेक्शन 14 और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में सेक्शन 27 के अंतर्गत एक महिला स्त्री धन को अधिकार पूर्वक और मालिकाना हक के साथ मांग सकती है। अगर उसके इस अधिकार का हनन होता है तो ऐसी परिस्थिति में भी वह प्रोटेक्शन ऑफ वुमन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में सेक्शन 19A के अंतर्गत शिकायत दर्ज कर सकती है। बच्चे की कस्टडी का अधिकार। दोस्तों, एक महिला के पास इस बात का पूर्ण रूप से अधिकार होता है कि वह अपने बच्चे की कस्टडी की मांग कर सकती है, खासतौर पर यदि बच्चा 5 साल से छोटा हो। इसके साथ ही अगर वह अपने ससुराल छोड़कर जा रही है, ऐसी परिस्थिति में भी वह बिना किसी कानून ऑर्डर के अपने बच्चे को अपने साथ ले जा सकती है। इसके साथ ही एक समान कस्टडी का अधिकार प्राप्त होने के बावजूद भी अगर घर में विवाद की स्थिति पैदा होती है तो महिला अपने बच्चे की कस्टडी अपने पास रख सकती है। दोस्तों, एक है अबॉर्शन का अधिकार। इसके साथ ही एक महिला के पास अपने घर में पल रहे बच्चे को गिराने का अधिकार होता है। इसके लिए उसे अपने ससुराल या अपने पति की सहमति की जरूरत नहीं होती। दोस्तों, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के अंतर्गत एक महिला अपने प्रेगनेंसी की किसी भी समय खत्म कर सकती है। इसके लिए प्रेगनेंसी का 24 सप्ताह से कम होना जरूरी है। कुछ स्पेशल केस इसमें एक महिला अपने प्रेगनेंसी को 24 सप्ताह के बाद भी अबॉर्ट करा सकती है। इसके लिए कोर्ट ने उसे अधिकार दिया है। संपत्ति का अधिकार। द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में 2005 में हुए संशोधन के बाद एक बेटी, चाहे वह अपने शादीशुदा हो या ना हो, अपने पिता की संपत्ति को पाने का बराबर हक रखती है। इसके साथ ही महिला अपने पूर्व पति की संपत्ति पर अपना अधिकार जता सकती है। हालांकि उस स्थिति में संभव है जब उसके पति ने अपनी संपत्ति से बेदखल कर संबंधित वसीयत ना बनाई हो। इसके साथ ही अगर किसी महिला का पति से तलाक के बिना दूसरी शादी कर लेता है तो उस परिस्थिति में भी पति की पूरी संपत्ति पर उसका पहली पत्नी का अधिकार होता है। घरेलू हिंसा के रिपोर्ट कराने का अधिकार। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत एक महिला को ये अधिकार प्राप्त है कि अगर उसके साथ उसका पति या उसके ससुराल वाले शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सेक्सुअल या आर्थिक रूप से अत्याचार हो या शोषण करते हैं तो वह उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकती है। दोस्तों, दहेज और उत्पीड़न के खिलाफ रिपोर्ट कराने का अधिकार। डावरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के तहत एक महिला को यह अधिकार प्राप्त है कि अगर उसका पैतृक परिवार या उसके ससुराल के लोगों के बीच किसी भी तरह के दहेज का लेन देन होता है तो वह उसकी शिकायत कर सकती है। IPC की सेक्शन 304B और 498A के तहत दहेज का आदान प्रदान और इससे जुड़े उत्पीड़न को गैरकानूनी का आपराधिक करार दिया गया है। तो दोस्तों, ऐसे ही कानून की नई नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल लीगल न्यूज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।